इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त की शाम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। धोनी के इस तरह से संन्यास की घोषणा के बाद से देश और दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ियों ने उनके बारे में तमाम तरह की बातें की। धोनी को लेकर तमाम किस्से सुनाए गए। इस बीच भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी धोनी को लेकर कुछ बातें कही हैं। सानिया ने भी कहा कि कई मामलों में धोनी उन्हें अपने पति शोएब मलिक की याद दिलाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक और सानिया ने 2010 में शादी की थी। सानिया ने बताया कि किस तरीके से धोनी और शोएब में कई समानताएं हैं। एक इंटरव्यू में सानिया ने कहा कि पर्सनैलिटी की बात करूँ तो धोनी सच में कई मामलों में मुझे मेरे पति शोएब मलिक की याद दिलाते हैं। दोनों कई बातों में एक जैसे हैं। दोनों शांत रहते हैं लेकिन मजाकिया हैं। मैदान पर दोनों ही काफी कूल रहते हैं। कई मामलों में धोनी शोएब जैसे हैं। धोनी ने 2019 विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से ही कोई मैच नहीं खेला। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से ब्रेक पर थे। उनके भविष्य को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी लेकिन धोनी ने अचानक से संन्यास की घोषणा कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। सानिया ने आगे कहा कि धोनी ने जिस तरह शांति और रिस्पेक्ट के साथ संन्यास का ऐलान किया वही उन्हें कैप्टन कूल बनाता है। धोनी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत कुछ हासिल किया। धोनी हालांकि अभी IPL में खेलना जारी रखे। वो फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। धोनी 14 अगस्त की शाम को रांची से चेन्नई पहुंचे थे और उसके अगले दिन ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो 20 अगस्त तक चेन्नई में प्रैक्टिस करने के बाद 21 अगस्त को UAE पहुंचे। CSK की टीम दुबई के ताज होटल में रुकी और फिलहाल धोनी बाकी खिलाड़ियों के साथ अपने होटल के कमरे में आइसोलेशन में। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।